आओ बैठो सर। सर आपने आने की तकलीफ क्यों उठाई? अगर आप मुझे बुला लेते मैं खुद ही आया था। नर्सिंग केस के बारे में सिलसिला करने के लिए आया हूं मैं। सर जिसकी हत्या हुई है वो एक पहुंचा हुआ आदमी था। लेकिन जो कोर्ट में सरेंडर कराया आप उसी को क्यों पकड़ रहे यार? सर नर्सिंग परिवार अपनी जिंदगी के लिए कुछ भी करेगा, तो वो उस लड़के को ढूंढ रहा है ताकि उसे मार सके, और उसे बचाना मेरी ड्यूटी है। इन सब के पीछे शिवमणि की जमीन ही है ना? हाँ सर, अगर वो जमीन पहले ही दे देता तो दो लोगों की जान क्यों जाती? उसे कोर्ट में जाकर बुलाएं। हाँ सर। अब हम सब लोगों को पंचों की बात माननी पड़ेगी। श्रीमणि सुन के इसके भी साइन कराओ। साइन करो। अब श्रीमणि के बेटे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। श्रीमणि तुम्हें कोई एतराज है? तुम अपनी जमीन किसको देना चाहते हो? मेरी जमीन रगड़ू के नाम को। हे चिंतामणि किधर जा रहा है? हे मनु मामा, आप लोगों को कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे आप लोग? हे रगड़ू, अब तुम्हें क्या चाहिए? सारी जमीन तो तुझे दे दी। लो जमीन की कहा जा, मुझे नहीं चाहिए जमीन। सारी उम्र उन लोगों के लिए काम किया, बदले में अपना हाथ उगवाया, लेकिन मेरी ही जान के दुश्मन बन के बोले। जिस जगह तेरे बेटे ने नरसिंह को मारा था ना, उसी जगह उसे पटक पटक के मार रहे हैं। जा बचा ले अपने बेटे को। अपने लोगों को इकट्ठा करो। ए, इसको इतनी जल्दी मार देगा? इस पिल्ले को तो तड़पा तड़पा मारूंगा। ए, तू इसको इतनी बुरी तरह से क्यों मार रहा है? जब मेरे भाई को मारा तुम लोग तमाशा देख रहे थे, अब क्यों मुंह फाड़ रहा है? तुम पंचों का अपमान कर रहे हो। मैं पंचों की इज्जत को अभी जूती की नोक पे मारता हूँ। आज इस पिल्ले का मन आता है। गांव वालों, आज से इनके मामले में मत भरना। ए, मारे। ओए, अगर तूने पंचायत की बात नहीं मानी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को बाहर निकाला जाएगा। तुम लोगों ने मुझे फिर से लाशी बने हुए मजबूर कर दिया। भाई भाई बचा ले मुझे। ए, ए, पर ले। भाई भाई मुझे बचा ले।